बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा, दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज आपके लिए लो फैट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है। मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स खिचड़ी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये इंस्टेंट ओट्स हैं, ये मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। कोई ऑयल नहीं ऐड करेंगे, कोई पानी नहीं ऐड करेंगे, बस 2 टेबल स्पून इसमें ओट्स भर के डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि नीचे लगने ना पाए। हीट को मैं और स्लो कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए जी, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी खिचड़ी है, क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, कोई फैट वाली चीज़ नहीं जाएगी। बहुत लो फैट रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं वेजेस डाल दूंगी सारी की सारी। ये मेरे पास बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च है, और फ्रेंच बीन्स हैं, ये डाल दूंगी। और साथ ही पानी डाल दूंगी। ये देखिए, तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी का ऐड किया है इसमें। सब्जियां पहले से बॉयल थी, इसलिए उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी इसमें। थोड़ा सा नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून के करीब, और इतनी ही काली मिर्च ऐड करूँगी। ये देखिए, इतनी ही काली मिर्च ऐड करूँगी बस जी। इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे। और थोड़ा सा हीट को बढ़ा के मैं इसको लिड से कवर करती हूँ, और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको कुक करते हैं, जब तक हमारी खिचड़ी शेप में ना आ जाए। यहाँ ये बॉईल हो रहा है, इसको हटा देते हैं हम लिड को, ताकि हमारा चूल्हा भी ना गंदा हो। तो इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट बनने वाली खिचड़ी है, बस इसको खुले में ही अब हम पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। इसमें एक चीज़ ऑप्शनल है, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं अभी ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैंने ऑयल इसमें नहीं ऐड करना, तो डायरेक्ट ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि हमें हेल्दी भी रखेगा और टेस्ट भी इन्हेंस होगा इसका। फिर से इसको कवर करती हूँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे, फिर रेडी होगी। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी तैयार है, मैं फ्लेम को ऑफ करके डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारी ओट्स खिचड़ी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इसको टेस्ट किया है और लो फैट है बिल्कुल, इसमें कोई ऑयल नहीं, कोई हेल्दी और फैटी करने वाली चीज़ नहीं है। तो बहुत ही मज़ेदार वेजीज़ वाली ओट्स खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।